뭐라고 찍는 거야? 사진. 저거 뭔데? 뭔데? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिथिश पैशन। आज मैं घर से ही मतलब रूम से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वो देखो, दिखाया था ना वो वाला लैम्प है, जासूटी क्या बोलते हैं पता है, झाड़ू वाला लैम्प, स्पाइक वाला। हाँ बोलते हैं, जैसा होता है ना पापा स्पाइक करते हैं वैसा वाला लैम्प। अच्छा लग रहा है दिखने में। बिल्ली आ गई, वो हमारी बहुत फ्रेंड है, स्वीटी का फ्रेंड है, लेकिन स्वीटी उससे डरती है। और स्वीटी डरती भी है और उसको तंग भी बहुत करती है, बहुत तंग करती है। तो लेकिन क्या हुआ पता है, स्वीटी के ये बेड के ऊपर आके बैठ गया था। थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं थोड़ा वहाँ पे गई थी तो देखा आके बैठ गए। तो अभी मैं लाइव करूँगी, उसके बाद लंच करूँगी, लंच के बाद थोड़ा बाहर जाएंगे किसी स्पेशल जगह। क्या देखने मिलता है वो तो आपको व्लॉग कंटिन्यू देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। स्पेशल तो दिखाऊंगी। रूम कैसा लग रहा है? मेरा घर भी ऐसे बना लो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है ना देखो। और ये रूम ना इतना ठंडा है क्योंकि ऊपर में जो नारियल का होता है ना, नारियल का क्या बोलते हैं, नारियल का पत्ता का रूफ है और चारों तरफ वुड का है। वुड के ऊपर जस्ट मतलब प्लास्टर करके मतलब कलर किया हुआ है, इसलिए बहुत ठंडा होता है। मतलब दोपहर में कितना भी बाहर गर्मी रहे, लेकिन ये इस टाइप का पहले ज़माने में इसीलिए करते थे, मतलब इस टाइप का रूम ठंडी रखने के लिए। गर्मी के टाइम तो बहुत ठंडी होगी, रात को भी बहुत ठंडी आती है, अच्छा लगता है। अभी कितना बज रहा होगा? 12 से ज़्यादा कम ही होगा, पता नहीं। मैंने घड़ी, क्योंकि ना हाथ पे घड़ी है ना कुछ है। हाँ, शॉपिंग मैंने जो जो किया है वो ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे शॉपिंग का ज़रूर शेयर करना मैत्री मुंबई पे आके। हाँ ज़रूर शेयर करूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें लिया है, भोंदू के लिए भी कुछ चीज़ें लिया है, इतना बता सकती हूँ, लेकिन कहाँ रखा है मुझे नहीं मिल रहा, किसी बैग में तो होगा। अभी जाने के टाइम ना बैग भी मतलब लग नहीं रहा है, ठीक करूँ। एक तो स्वीटी बोली है चलो छोड़ो और 2 दिन रह जाओ। हाँ तो लेकिन लगता है ना। गोंडा के जस्ट साइड में बीच है, टूवर्ड्स कर्नाटक के तरफ, मतलब एकदम साइड में है लेकिन बीच में एक हिल्स है, इसीलिए दोनों सेपरेट हो गया। पालोलिम का तो नाम काफी फेमस बीच में एक है, नाइट लाइफ भी वहाँ का अच्छा है, बीच बहुत सुंदर है। फिश और राइस खाया, ब्राउन राइस, वो जरूर शेयर करूंगी जो एक रेसिपी मैंने ये इनका बहुत पहले से ये रेसिपी है तो वो जरूर जाके शेयर करूंगी। ब्राउन राइस से बनता है, बहुत यम्मी, सिर्फ तो वो राइस ही खा सकते हैं। और एक प्रॉन्स का ग्रेवी वो भी शेयर करूंगी, मैंने उनसे पूछा थोड़ा बहुत। ये देखो कितनी सारी गाय है, ऑसम दूध मिलेगा यहाँ पे। ये गाय नहीं है, ये तो बैल है। ये पीछे छोटा छोटा सचमुच यहाँ पे जैसा होता है ना गांव के ए टू मिल्क, देसी गाय के गुला। हाँ। ये सब देसी है। एक सिंह का मतलब कितना 100 रुपए है, एक बार मारे ना तो बस। छोटे छोटे बच्चे कितना क्यूट है। अभी हम लोग पालोलिम बीच के तरफ जा रहे हैं, ये पालोलिम विलेज, हाँ गांव टाइप का ही बोल सकते हैं, छोटा सा विलेज टाइप का है और इसके एंड पे बीच है। पालोलिम बीच काफी फेमस बीच में एक है, देखो छोटा छोटा एकदम घर है, एकदम विलेज, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का लाइफ। हाँ अभी यहाँ से एकदम शॉप और ये सारे रिजॉर्ट, छोटा छोटा रिजॉर्ट भी है काफी सारे और बीच के साइड में तो काफी है।
मार्केट घूम के यहाँ पे आ गए। सन का थोड़ा लाइट कम हुआ है, सनशाइन थोड़ा कम हुआ है, ये तो बहुत गर्मी लग रहा था। अभी कितना बजेगा, 5, ऑलमोस्ट 5 शायद, क्योंकि अभी सनसेट होने में टाइम है थोड़ा सा। पालोलिम पहले बहुत सुंदर था, अभी भी बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत क्राउडी टाइप का है और बहुत ज़्यादा बोट, इस टाइप का जो बोट है ना ये बहुत। लेकिन पालोलिम बीच का जो व्यू है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि राउंड करके पूरी नारियल का पेड़ है, वो आपको दिख रहा है, वो रॉक टाइप का वहाँ से स्टार्ट हुआ है इस तरह से, एकदम पूरी राउंड करके वहाँ तक। और मैंने एक चप्पल खरीदा, वो दिखा दो पहले, ये देखो मैंने ये वाला चप्पल खरीदा, दिख रहा है ऐसा वाला, अच्छा लगा। ये इस टाइप का है, साइड में इस टाइप का डिज़ाइन है, और इसका प्राइस कितना लिया, 250 ऐसा कुछ लिया। और ये शांतनु, शांतनु बोट के फोटो ले रहे हैं, एक बोट के साथ तो फोटो ले लो मेरा। चॉकलेट खा रही हूँ हाँ, इसलिए यहाँ पे है। ऐसे 14 डेज चला गया, पता ही नहीं चला, तो मतलब लग नहीं रहा है 14 डेज हम थे, लग रहा है अभी तो 4-5 दिन ही हुआ है। और लास्ट सनसेट देख के सैड लग रहा है, इसीलिए मैंने सनसेट का कोई शूट नहीं किया, जस्ट थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग। ये देखो फिश, फिश छोटा छोटा, कौन सा फिश है ना, हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, कल मैंने और वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि कल रात को और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, एक्चुअली थोड़ा सैड सैड फील हो रहा था। 14 डेज के बाद घर जा रहे हैं, हाँ हैप्पी तो लग रहा है, घर को देखना है क्या करना है, किस लिए आई हूँ। अभी कितना बज रहा होगा, 9:30 बज रहा होगा। अभी एक काम के लिए आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम, तो वो दिखाती हूँ। मॉर्निंग अच्छा लग रहा है, चारों तरफ नारियल का पेड़ है और समुंदर अपने काम रोज ही कर रहे हैं। एक ही मैं कभी कभार बोल रही, समुंदर बोर नहीं हो जाता, रोज ही एक ही काम, धड़ाम धड़ाम करके आवाज़ कर रहा है। रात को तो और ज़ोर से आवाज़ आता है, क्योंकि हाई टाइड हो जाता है ना, पानी और भी ऊपर तक आता है। ये जगह देखो भीगा भीगा है ना, ये जगह यहाँ तक आता है। देखो स्वीटी बॉटल लेके आई है, स्वीटी बॉटल लेके आई है, दो बॉटल, क्या करेगी दिखाती हूँ।
देखो स्वीटी क्या कर रही है, अभी तुम्हें बोल रही हो चल चल ब्रेकफास्ट करना है, नहीं उसको नहीं उठना, चलो बोले ऐसे खोदते जाओ खोदते जाओ। और ये दो बॉटल किस लिए है बताओ, पता नहीं सुनाई देता है या नहीं, ये दो बॉटल घर लेके जाऊंगी, दो टाइप का सैंड लेके जाऊंगी, हम लोग हर बार गोवा जब भी आते हैं ना सैंड लेके जाते हैं, मैं बालकनी में रखती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल में रखती हूँ, स्वीटी खेलती है क्या, सीढ़ी क्या बोल रहे हैं देखो क्या बोल रहे हैं, खेलने के लिए ऐसे तो बीच को तो नहीं ले जा सकती, दो बॉटल सैंड ही लेके जा सकती, कुछ दिन खेलती है उसके बाद मतलब उसके बाद तो वो खराब भी हो जाते, इधर उधर फेंकती रहती है, मैं बोला और लेके जाना, बोला हाँ हाँ और लेके जाना, मैं बोला मेरा गाड़ी पे जगह नहीं है, एक है ना सैंटा भलो रे स्वीटी बोले मैं मेरा पॉसिबल होता तो मैं बस्ता बस्ता लेके जाती, हाँ क्योंकि जुहू का जो सैंड है ना वो इतना अच्छा नहीं है, ब्लैक सैंड है, हाँ काशी जाती हूँ तब वो सैंड अच्छा होता है, धूप भी हो गया, चलो अभी बहुत देर खेल भी लिया उसने, और आज हम लोग घर के लिए जा रहे हैं होम स्वीट होम, ये देखो स्वीटी बहुत सैड है, सिटी बोल रहे और एक दिन रुक जाते, लेकिन एक दिन कर करके कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो अल्टीमेटली फिर से कल तो जाना ही था, मतलब घर तो जा रहा है ना, और कितना दिन घर को नहीं देखा, कैसा है घर वो भी देखना है, और अभी शायद 12:30 हाँ ऐसा बज रहा है, सुबह में ब्रेकफास्ट कर लिया, पोई और पोई दिखाया ना वो जो गोवन ब्रेड होता है, पोई और ऑमलेट खा लिया, स्वीटी ने भी खा लिया, हम लोग जो रास्ते से आए थे वो रास्ते से नहीं जाएंगे, हाँ स्वीटी बोले नहीं जब ठीक हो जाए तब जाएंगे, और मेरा सारे सामान पैक कर लिया, आने के टाइम अच्छा लगता है, जाने के टाइम एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें घर तो जाना ही है ना, घर बेचारा सोच रहा है मुझे छोड़ के चले गए, मिस कर रहे हैं, हाँ वो भी मिस कर रहा है, मेरे सारे पौधा मिस कर रहा है, सोचा था थोड़ा जल्दी निकलूंगी, उसके बाद सोचा थोड़ा धीरे धीरे ही निकलती हूँ, इतना जल्दी जाके क्या करूँगी, क्योंकि मुंबई पे अगर जल्दी पहुँच गए ना तो ट्रैफिक बहुत मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा लेट करके अगर मुंबई एंट्री करेंगे ना तो हाँ हाँ एक मिनट मैं पूरा तैयारी कर लूँ, क्योंकि मैं शूज़ पहनूंगी, चप्पल पहन के तो गाड़ी उतना देर तक ड्राइव करना मुश्किल होता है, और अभी जाने का मन नहीं कर रहा है, ये सारे भैया इतने अच्छे रहते हैं ना, अभी कुशल और भी दो भैया है, कुशल नहीं सतीश और एक था ना वो भी गए, मनीष हाँ वो भी गए कहीं पे, और ये राज भैया बहुत अच्छे हैं सचमुच, अगर आना है तो अगोंडा वाइट सैंड हमारे सबसे फेवरेट गोवा में, ये सारे कहाँ से है पता है, सब मतलब हिल से आए हैं गोवा पे, तो हम सोचते हैं दार्जिलिंग से कुल्लू, कुल्लू से और ये धर्मशाला से, तो हम लोग सोच रहे हैं अभी गर्मी में हम लोग भी ऊपर चले जाएंगे, जरूर आइएगा, अभी मन नहीं कर रहा है, मतलब छेड़ रुको यहीं पे, हमको यहीं पे चलो यहीं पे बंगलो ले लेते हैं, यहीं पे रह जाते हैं, बोला हाँ यहीं से तेरे ऑफिस जाएंगे, बोले नहीं ठीक है ना, यही तो मम्मी का तो काम तो चलेगा ना, हाँ मम्मी का काम तो चलेगा, मम्मी का काम तो वीडियो तो रुकेगा नहीं, लेकिन अच्छा लगता है आप लोग बहुत सचमुच, नहीं जितनी बार अगोंडा वाइट सैंड पे आई हो ना, मतलब जो भी रहते हैं बहुत बहुत अच्छे है, मतलब लगता है हाँ घर के जैसे, मतलब इसीलिए मतलब स्वीटी को मतलब इसके बाद भी और भी मतलब रिजॉर्ट रहता है, लेकिन उसको इतना पसंद नहीं, मिलेंगे फिर से गोवा में, बाय बाय करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जाना तो है ही, लेकिन फिर से आएंगे, हाँ स्पेशली अगोंडा को बहुत मिस करेंगे तो भी चले, नहीं तो लेट हो जाएगा जाते जाते, thank you.
अगोंडा में अली बाबा केपसिटी को ये नाम बहुत पसंद है। ये जो शॉप है ना, ये भैया बहुत अच्छे, बिलाल भैया बहुत अच्छे है। अगर किसी को सिल्वर, हाँ कश्मीर से है, ओरिजिनल सिल्वर या गोल्ड भी खरीद सकते हैं, तो इनके पास जरूर आना, ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ ये भैया बहुत अच्छे हैं, कुछ भी मतलब गलत चीजें नहीं है उनके पास, जो भी चीजें हैं आपको बता देंगे। हाँ कितनी कैरेट का है? 9 साल से इनका। और एक शॉप है इनका भाई का पटने में, तो अगर कोई अगोंडा आ रहा है तो जरूर, या पालोलिम भी आ रहा है तो जरूर यहाँ पे आना, क्योंकि पालोलिम में मैंने देखा है शॉपिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है थोड़ा, तो इनके पास जरूर आना। इनके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत रीजनेबल है। हाँ प्राइस आपको बहुत रीजनेबल करके देंगे, और सिर्फ ज्वेलरी नहीं, काफी सारे मतलब जो घर के सजाने के लिए बॉक्सेस बहुत सारे, और मैत्री का नाम लेना तो फिर और भी तो हेल्प करेंगे। हाँ, नहीं वो तो भैया बहुत अच्छे है। बड़े बड़े ट्रेन लाइन है ऊपर से, कितना अच्छा लग रहा है। ट्रेन लाइन लास्ट होता है ना, ये देखो लास्ट उसका डब्बा, वही ट्रेन पीछा कर रहा है हमारा। देखो वो राजेश खन्ना का वो मूवी याद आ रहा है ना, सोचो सोचो कौन सा मूवी, राजेश खन्ना का एक गाना। ये देखिए पोई वाला जा रहे हैं, अभी हम लोग मडगांव एंट्री कर चुके हैं। और ये देखिए मडगांव के ये जो रास्ता है, इसके दोनों साइड में ओल्ड है हेरिटेज टाइप का होम है, बहुत पुराना, बहुत सुंदर सुंदर घर है। ये है अंबोली घाट, अंबोली घाट से बैंगलोर हाईवे की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद बैंगलोर हाईवे पे अगर उठ जाए तो बस स्ट्रेट, और अभी शाम के टाइम भी हो चुका है, लेकिन घाट बहुत सुंदर है। इसमें साइड साइड में गाँव है, अभी हम लोग है अंबोली घाट में, बड़ा पखर है अभी मुंबई बहुत दूर। मॉर्निंग, आज है वही मतलब नेक्स्ट डे हो गया, और अभी हम लोग पहुंचे हैं 4 o'clock मतलब मॉर्निंग या मिडनाइट बोल सकते हैं, 4 बजे पहुंचे हैं, क्योंकि दोपहर में निकले थे ना 2 बजे, तो उसके बाद 14 घंटा, हाँ ऑलमोस्ट 14 घंटा लगा, 14 hours तो लगा, तो अभी 4 बजे पहुंच के 4:10 को पहुंचे, तो उसके बाद सारे सामान गाड़ी से लेके आए, और उसके बाद अभी मैं नहा लिया एकदम फ्रेश हो गई। अभी फ्रेश हो के क्या करूँगी पता है, सोऊंगी अभी, क्योंकि पूरी रात तो नहीं सो पाई ना, सीटी सोई थी गाड़ी पे, लेकिन आके वो फिर से थोड़ा फ्रेश होके वो सो गई, और शांतनु भी फ्रेश हो रहा है, ब्रश कर रहा है। 5:35 ऑलमोस्ट बज चुका है,
तो अभी सो जाऊंगी, उसके बाद दोपहर में उठ के लंच बनाऊंगी। अभी लंच में भी क्या बनाऊंगी पता नहीं। आते समय मैंने आशांत उन्होंने एक जगह पे छोटा सा एक होता है ना छोटा छोटा जगह रहता है सब्जी मार्केट या छोटा सा दुकान जैसा था, वहाँ पे पोटैटो अनियन और एक कॉलीफ्लावर लिए ले लिया। मैंने बोला वो ले लो और कुछ रहे ना रहे कुछ भी बना लूँगी। और देखो होम स्वीट होम कहते कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत दिनों बाद घर को देख के हाँ बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है सचमुच। कितना भी बाहर घूमो ना घर के जैसा जगह तो कुछ होता नहीं है, मतलब होम स्वीट स्वीट लग रहा है, अच्छा नया नया लग रहा है थोड़ा सा। आप सबको कैसा लग रहा है इतना दिन बाद मेरे घर को देख के, हाँ नया नया लग रहा है। आप लोग भी तो मतलब इतना दिन नहीं देखे थे, सारे सामान इधर उधर सारे मतलब मैंने ऐसे ही रख दिया, अभी कौन समेटेगा, नहीं ठीक करूंगी अभी, हमारा हालत भी नहीं यार ठीक करने की। अभी गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट करती हूँ और उसके बाद सो के दोपहर में उठ के आप सबसे बात करती हूँ और क्या खाना बनाऊंगी वो दिखाऊंगी। तो अभी सो जाओ, चलो गुड नाइट। 4:45 बज रहा है अभी, मतलब 4:00 बज रहा है, 15 मिनट बाकी है। अभी हम लोग लंच करेंगे अभी। एक्चुअली आज लंच में कुछ ज्यादा कुछ बनाया नहीं, आके स्वीटी ने बोला था आलू पोस्तो बनाओ। आलू पोस्तो मतलब जैसा आलू पोस्तो ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोस में शेयर किया है, और राइस बनाया और पापड़ सेक लूंगी और अचार, क्योंकि यार काम करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि होता है ना पूरी रात मैंने ड्राइव किया, साथियों ने भी किया कुछ जगह, सारे जो पाउच लेके गई थी सामान वो सारे सामान अभी ठीक करना है। घर का हालत ऐसा ही है, अलमारी भी नहीं ठीक किया, होता है ना मतलब आने के बाद ऐसे तो काम करने का मन नहीं करता और टायर्डनेस थोड़ा फील होता है। एक्चुअली इतना घंटा मतलब जर्नी करना भी इजी नहीं होता है ना, अब जाने के टाइम तो फिर भी मजा लगता है, आने के टाइम थोड़ा ही ज़्यादा ही मतलब लगता है हाँ टायर्ड हो चुके। और अभी ये सब ठीक करना है, बहुत काम है बहुत। ये है शांतनु, केला लाए रास्ते में बिक रहा था तो इसलिए ले लिया, अच्छा है। पपैया भी लाए, हाँ ये दिखा दो चिपके गए। हाँ तो पपैया को लाना इतना डिफिकल्ट है, तो एक लाए और एक बोल रहे शांतनु ये वाला थोड़ा हाँ एक जगह थोड़ा सा दब गया। अरे स्वीटी चिपे दी चलो स्वीटी, हाँ क्योंकि स्वीटी सो रही थी ना तो खा लेंगे। तो शांतनु ने केला खाया, गांव का केला जैसा होता है ना वैसा, हाँ मुंबई में ये वाला नहीं मिलता एकदम सॉफ्ट पिकल गए मेरे मुंह में। नॉर्मली एक वाला एक टू कॉच करता है, हाँ क्योंकि वो छोटा वाला केला ना इलायची टाइप का केला जो भी होता है बीच में थोड़ा सा खट्टा खट्टा या थोड़ा सा अजीब जैसा लगता है, ये एकदम मुंह में घुल गया। तो पहले खाना खा लो। अभी शाम हो चुके हैं, शाम के 7 बज चुके हैं, तो खाना खा के सो गई थी फिर से, होता है ना थोड़ा सा नींद नींद जैसा लग रहा है, 7:15 से ऊपर हो चुका है। तो अभी चाय बनाई, स्वीटी को बोला स्वीटी चाय बना दे, पता नहीं मेरा सर दर्द जैसा हो रहा है, मेरा अच्छी तरह से नींद ना होए ना तो सर दर्द हो जाता है, क्योंकि मेरा ना एकदम कंप्लीट मतलब नींद ना हो। सुबह में जो सोया था ना उसमें तो शांतनु 4 से 5 बार उठे, फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन आ रहा था, उसमें थोड़ी नींद होती है कंप्लीट नहीं। अरे अभी सोया, अभी कहाँ सोया, ये लाइट जल रहा था, ये लाइट जल रहा था क्योंकि स्वीटी पड़ रही थी, तो उसमें सोना थोड़ी होता है, बस थोड़ा सा नैप, कंप्लीट रात को सोऊंगी तभी मतलब सर भारी जैसा लग रहा है वो जाएगा। स्वीटी ने इतना दिन एबसेंट तो हुआ ना, वो सारे कॉपी कर रहा था मैथ्स का, कॉपी करेगा उसके बाद शांतनु उसको पढ़ाएगा, आज नहीं पढ़ाएंगे। क्या अरे अभी चाय पीना हो गया, 9 भी बज गया, शांतनु क्या कर रहा है दिखाओ। शांतनु आज किचन पे है, वो सोचो मतलब कुछ बनने वाला है, किचन में है चिकन लेके क्योंकि क्या वो जो लाई थी ना बताऊं, पहले वो दिखाओ तभी आपको समझ आएगा। ये है गोवन ब्रेड टाइप का फ्लैट ब्रेड पाव पाव जैसा नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का ही है, इसको पोई बोलते हैं। पोई हर बार जब भी गोवा जाती हूँ लेके आती हूँ, इसकी वजह से आज चिकन बना, क्योंकि ये चिकन के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो चिकन बन रहा है इससे, हाँ चिकन भी किससे बन रहा है वो भी बता दूं, वो जो शाहकारी फार्म स्पाइस फार्म गए थे ना
वो वहाँ का जो गरम मसाला होता है गोवन गरम मसाला, मतलब एकदम टिपिकल अलग टाइप का खुशबू है उसका। उसका रेसिपी मैं मुझे अभी तक मैं एकदम पर्टिकुलर नहीं बना पा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ लेकिन एकदम पर्टिकुलर नहीं हो रहा है। तो अगर किसी का, हाँ अगर किसी के पास उसका रेसिपी एकदम गोवन ऑथेंटिक सारस्वत पोंडा की तरफ जो गरम मसाला होता है, क्योंकि गोवा में काफी टाइप का गरम मसाला है, पोंडा जो रीजन है मतलब जगह है उस एरिया का, अगर कोई गरम मसाला का रेसिपी है तो मुझे जरूर पास करना, मुझे मेल करना जरूर, मैं बना के देखूंगी। क्योंकि मैं जो भी बना रही हूँ होता रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन एकदम जो होता है ना एकदम पर्टिकुलर जब तक ना हो तब तक ना हो। मजिक मसाला, मजिक बोलते हैं मजिक मसाला, हाँ उसी की वजह से। तो किसी के पास रेसिपी है तो जरूर मुझे मतलब कमेंट्स करना या मेल करना। और ये पोई के साथ यही मसाला वाला, हाँ क्योंकि पोई के साथ ना यही मसाला वाला कुछ भी अगर चिकन या फिश का हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। पोई को सांतनु ने क्या किया पता है, बेक किया। अच्छा बेक किया मैंने पोई को। अच्छा पोई बना, हाँ अच्छा बोले, अच्छा पोई बना है, कब से मुझे बोल रहे हैं। देखो बाहर से क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ वो अंदर से पहले खोल के दिखाओ इसका ना, अंदर से मतलब ऐसा, मतलब होल जैसा होता है, इसमें फलाफल डाल के खा सकते हो। चिकन डाल दो, सलाद डाल दो, सलाद डाल दो। हाँ चिकन से तो अच्छा खुशबू आ रहा है। और एक बात बताओ, मुंबई पे अगर कोई रहते है पोई किसी भी मुंबई पे बेकरी में मिलता है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि हम तो बहुत घूम चुके हैं लेकिन पाली ही लिया वो एरिया पे, अगर कोई गोवन है जिनको पता है मुंबई पे पोई मिलता है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना कहाँ पे मिलता है। और अभी हमारा खाना खाना हो गया, स्वीटी यहाँ पे बैठ के अभी मतलब नाइट स्किन केयर हो रहा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करना, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, लाइक बटन नीचे होता है देखो। मेरे मुंह के ऊपर ही लाइक बन दिया, फेस के ऊपर ही आया वो तो बोले नहीं अभी नहीं आऊंगी, अभी सिर्फ साइड से करूंगी। और गोवा का सारे व्लॉग्स कैसा रहा मुझे जरूर कमेंट करना, अगर किसी ने मिस कर दिया तो जरूर चेक करना। सिर्फ ऐसे ट्रेवल व्लॉग टाइप का नहीं है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही है, मैंने जितना हो सके गोवा को मतलब दिखाने की कोशिश किया। और अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय 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 लगा।